वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। एक्टर अजय देवगन अपने दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज करते आए हैं। अब आने वाले दिनों में अजय देवगन की कई फिल्में कतार में हैं। उसी में से एक अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में एक नाम भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का शामिल है। हमने अपने पिछले रिपोर्ट में बताया था कि यह फिल्म OTT और सिनेमा हॉल के मझधार में फंस गई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म को लेकर फैंस में क्रेज काफी ज्यादा है, इसलिए दर्शक इस फिल्म की थिएटर में देखना चाहते हैं। ऐसे में अब इस फिल्म को लेकर अपडेट आ रही है कि यह फिल्म अब सीधे सिनेमा हॉल में ही लगेगी और बहुत जल्द ही इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का ट्रेलर बनकर रिलीज के लिए भी बिल्कुल तैयार है। वैसे भी इस फिल्म को लेकर हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि अजय देवगन के फैंस ने डिमांड की है कि वे अपनी अपकमिंग फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज ना करें। यह फिल्म थिएटर के लिए बनी है और अब ऐसे में अजय देवगन के फैंस की डिमांड भी पूरी होने वाली है। बात करें इस फिल्म की तो बता दें कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक वॉर ड्रामा एक्शन फिल्म है। इसमें 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में घटी एक घटना दिखाई गई है। अजय देवगन ने इस फिल्म में विजय कार्निक नामक IAF स्क्वाड्रन लीडर का किरदार निभाया है। Thank you so much. Keep watching for more entertainment news and update.